टारगेट विद आलोक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे जीवन में, आपके जीवन में दीपक की भांति उजाला हो। गोपालदास नीरज की ये कविता इस पावन पर्व पर सहसा स्मरण हो उठती है। जो लगता है कि जीवन को अंधकार से प्रकाशमय की कितनी आवश्यकता होती है, और निश्चित तौर पे आप ईश्वर करें कि आपका जीवन जगमगाता रहे, आपका जीवन प्यार भरा रहे, आपका जीवन खुश नसीब हो और आप समाज की मुख्य धारा में जुड़कर इस पावन पर्व के साथ अपने आप को शामिल कर ज्योति पथ पर आलोकित रहें। एक गोपालदास नीरज की कविता, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मर्त मिट्टी गगन स्वर्ग छूले, लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह हुले, खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा जान पाए निशा आन पाए, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, अंधेरा धरा पर कहीं रहन जाए। ये पंक्ति निश्चित तौर पे हमको जीवन जीने की कला सिखाती है। हम वह करें, वह काम करें कि हमारे जीवन में अंधकार न रहे, हमारे प्रकाश ही रहे, आलोक से आलोकित तो होते रहें। यह टारगेट विद आलोक का यह प्लेटफॉर्म निश्चित तौर पर यह आलोकित करता है और आपको भी अपने जीवन में आलोकित करना ही है। आइए हम आज जो है आपके सामने कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आज मैं 40 प्रश्न लेकर आया हूं और इस 40 प्रश्न को बड़े ही अच्छी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे और अपने आप को उसी में मस्त रखेंगे, जीवन के पथ को निर्गत करेंगे और जीवन के पथ पर हम आगे चलेंगे। आइए चलते हैं, हम आपके सामने पहला प्रश्न आता है। पहले प्रश्न के रूप में आता है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला जी की नहीं है। आपका पहला ही क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी रचना है जो निराला जी की नहीं है। तो आपको जब भी नहीं आता है तो इसको गोला करिए, जूही की कली आपकी निराला की है, तुलसीदास निराला की है, राम की शक्ति पूजा निराला की है, लेकिन पल्लव किसकी है, निराला की नहीं है बल्कि पंत की है। पल्लव किसकी है, ये पंत की रचना होती है, यानी सुमित्रानंदन पंत की ये रचना है। चलिए आगे हम हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा। जो व्याकरण को जानता है यानी व्याकरण आप अगर जानते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, विद्वान कहेंगे, एकदम नहीं कहेंगे, व्याकरणिक नहीं होगा, प्राध्यापक नहीं होगा, तो होगा क्या, व्याकरण होगा। यानी जो व्याकरण जानता है उसे हम क्या कहते हैं प्यारे, उसको हम व्याकरण के नाम से जानते हैं। अगर आपको लगता है कि आप व्याकरण जानते हैं तो निश्चित पर आप व्याकरण होते हैं, लेकिन सामान्य स्तर के व्याकरण नहीं कि आप थोड़ा सा पढ़ लिए और जान लीजिए, इसके जानकार होने चाहिए। खर का अनेक अर्थी शब्द नहीं है, अनेक अर्थी शब्द नहीं है यानी अनेक अर्थ देने वाला नहीं है। जीवन में बहुत सारे ऐसे शब्द मिलते हैं जो अनेक अर्थ देते हैं। हम जब अलंकार पढ़ते हैं तो वहां पर भी आपको श्लेष अलंकार पढ़ते हैं, यानी जो श्लिष्ट धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी वहां पर भी अनेक अर्थ ही, एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो वहां पर श्लेष अलंकार, अलंकार के संदर्भ में श्लेष अलंकार होता है, लेकिन खर का अनेक अर्थी शब्द नहीं है। यानी खर का अर्थ क्या होता है, तिनका होता है। जी हाँ, खर गधा होता है,
एकदम सही है। और खर का मतलब क्या होता है? देव होता है, ये भी है कि नहीं? खर मतलब क्या होता है? दुष्ट होता है कि नहीं? तो आपको ये बताना है कि खर का अर्थ क्या होगा, यानी दुष्ट खर मतलब क्या होता है, दुष्ट खर मतलब देव, इन दोनों में से आपको बताना है। ये तो आप जान गए हैं, खर मतलब तिनका, खर मतलब गधा, खर मतलब दुष्ट भी होता है, खर मतलब देव नहीं होता है, खर का अर्थ देव नहीं होता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आप आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम चार पर आते हैं। चार नंबर के प्रश्नों को आप पढ़िए और इसमें आप देखिए कि चार नंबर का प्रश्न कहते क्या है। चार नंबर का प्रश्न आपके सामने है, जो ये भी पर्यायवाची से रिलेटेड है। क्या है? पर्यायवाची से ये रिलेटेड है। कौन? खग के पर्यायवाची शब्द समूह की पहचान कीजिए। खग, खग जाने खग ही की भाषा, एक आप लोग लोकोक्ति बोलते हैं। तो खग मतलब क्या होता है? पक्षी होता है। खग, बिहंग, कुंजर मतलब क्या होता है? हाथी होता है। ये विकल्प आपके समाप्त हो गए। खग बिहग एकदम सही है, बिहग मतलब भी पक्षी, खग बिहग, चिड़िया भी होता है, शकुंद भी होता है, पखेरु भी होता है। खग बिहग, चिड़िया, शकुंत, पखेरु, ये परिंदा आदि, ये सभी किसके होते हैं? एक खग के पर्यायवाची होते हैं। अतः चार का विकल्प भी क्या हो जाएगा प्यारे? बी सही हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पांच पर आते हैं। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो सही नहीं है। पार्वती मंगल किसकी है? तुलसीदास की, एकदम क्लियर है, है तुलसीदास जी ने, बाबा तुलसी ने। रामचरण शुक्ल जो होते हैं, तुलसीदास जी के विषय में लिखते हैं, तुलसीदास जैसा युग दृष्टा नहीं कोई है। और रामचरण शुक्ल ने तुलसी बाबा को तुलसी बाबा ही रूप में प्रतिस्थापित किया है, यानी इनके सामने कोई कवि है ही नहीं। अगर रामचंद्र शुक्ल की बस चले तो सारे कवियों को हटाकर केवल तुलसीदास को प्रतिस्थापित कर दें, लेकिन इनके सामने इनके जैसा कोई कवि है ही नहीं, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने बाबा तुलसीदास के बारे में लिखे। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। रामचंद्र शुक्ल तो 12 ही प्रमाणिक रचना मानते हैं, लेकिन तमाम है, कवितावली, दोहावली, दोहावली, पार्वती मंगल, रामलला न छू, हनुमान बाहु, रामचरित मानस, आप तो आप जानते हैं, बरवई रामायण, तमाम ऐसी इनकी रचनाएं बाबा तुलसी की आपको मिलती हैं। तो ये तो है। अंधायुग, एक फिल्म आप देखे होंगे अंधायुग, वो धर्मवीर भारती की ये रचना होती है अंधायुग। प्रेम फुलवारी निश्चित तौर पर ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही है, प्रेम फुलवारी। सतपुड़ा के जंगल महादेवी वर्मा की नहीं है, तो सतपुड़ा के जंगल यह होती है भवानी प्रसाद मिश्र की है। किसकी है? सतपुड़ा के जंगल, ये भवानी प्रसाद मिश्र की यह रचना होती है, भवानी प्रसाद मिश्र की ये रचना होती है सतपुड़ा के जंगल, आप ध्यान में रखिएगा, महादेवी वर्मा की नहीं है। अतः इसका विकल्प क्या हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे हम आते हैं नंबर छह। निम्न नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा तद्भव शब्द है? आपको इसमें बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव मित्र होता है, मीत, मितवा, रे मितवा, पूरब न जइहो, पश्चिम न जइहो, मेरे दिल में रहियो, चारों दिशाएं परदेश जाएं, परदेसी वापस आए न आए, घर से निकस के धोखा न खई हो, मेरे दिल में रहियो, मेरे दिल में रहियो। बहुत ही प्यारा गाना है। तो मीत ना मिला रे मन का, ऐसा भी एक गाना है। मीत का तत्सम मित्र होता है, महिष मतलब होता है भैंस, और भक्त भगत के बस में है भगवान, एक बड़ा ही अच्छा। तो भगत का क्या होता है? भक्त तत्सम होता है। भूखा जो होता है यह तद्भव रूप होता है, और इसका बुभुक्षा आपका तत्सम मिल जाएगा। तो ये आपका तद्भव रूप है, यानी छठा का सी विकल्प क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सात। छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। छछुंदर, एक तो छछुंदर ही है, उसके उसके सिर पर चमेली का तेल रख दे रहे हैं। तो एक भोजपुरी में गाना है,
करे बारलर झुआ छछुनरो का करबू तेल गम कौआ, ये गाना है। तो छछुनरो छछुंदर यानी छछुंदर को अगर तेल अगर उसके सर पर रखा जाए तो अयोग्य है। एक तो अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना या को योग्यता से अधिक मिल जाना ही क्या होता है, ये क्या होता है, अच्छा पद, अयोग्य व्यक्ति को कुछ अच्छा मिल जाना ही ये छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल की कहावत को क्या करता है, चरितार्थ करता है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। जो शीघ्र किसी बात को सोच ले, ये कहती है सोच ले। अगर आप शीघ्र किसी बात को सोच लेते हैं यानी त्वरित रूप में सोच लेते हैं तो आपको क्या कहा जाएगा, प्रत्युत्पन्न मति कहा जाएगा। यानी प्रति तुरंत आप आपके मत में यानी आपके विचार में उत्पन्न, तुरंत ही कोई बात उत्पन्न हो जाती है, आप तुरंत ही सोच लेते हैं, जिसको प्रत्युत्तर कहते हैं, तुरंत ही उत्तर दे देते हैं, तो उसे प्रत्युत्पन्न मति कहेंगे। यानी आपके विचार में तुरंत ही वह बात आ गई। तो यानी जो शीघ्र किसी बात को सोच ले उसको एक शब्द में प्रत्युत्पन्न मति कहेंगे। लेकिन अगर हम तुरंत काव्य का निर्माण कर लें, कभी कहते हैं ना कि कभी तुरंत ही किसी को देखा तो तुरंत हमने कविताओं का निर्माण कर लिया, तो उसे हम आशु कवि कहते हैं। कवि के संदर्भ में क्या हो जाएगा, वह आशु कवि हो जाएगा। लेकिन यहां जो शीघ्र सोच ले प्रत्युत्पन्न मति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सुषुप्ति का विलोम शब्द क्या होगा, आपको बताना है। सुषुप्ति का विलोम, सुषुप्ति है यानी सोने की अवस्था में होना, इसका होता है जागृत होता है यानी जागने की अवस्था में होना जागृत होता है। अतः सुषुप्ति का विलोम प्यारे क्या होता है, जागृत होता है, जागना नहीं है, जागर नहीं है, सभी नहीं है, बल्कि क्या होता है, जागृत होता है। चलिए वैदेही वनवास 10 नंबर, वैदेही वनवास, मैंने कहा कि तमाम वनवास राम के ऊपर लिखे गए हैं लेकिन वैदेही यानी सीता जी के ऊपर वैदेही वनवास को लिखने वाले हरिओत जी होते हैं, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जो होते हैं यह वैदेही वनवास आपका लिखते हैं। अतः विकल्प क्या हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 11 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं। तो विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले, तो विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं, पहली चीज विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। इसमें कहा क्या जा रहा है कि विधान करने वाले यानी नियम बनाने वाले यानी क्रिया का कार्य क्या होता है, करना, तो यानी किसी नियम कानून को करना ही क्रिया का कार्य होता है। तो विधान बनाना यानी क्रिया का, क्रिया को हम क्रिया के करने वाले यानी क्रिया के पहले अगर कोई विशेषण लग जाए, यहां विधान करने का सेंस क्या है, क्रिया से तात्पर्य है, तो विधान करने वाले शब्दों की विशेषता यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण करने, विधान करना मतलब क्या होता है, क्रिया होता है। अतः विकल्प इसका क्या हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, साक्षर का शुद्ध संध विच्छेद कौन सा होगा, आपको साक्षर बताना है। तो अक्षर मतलब क्या होता है, जो क्षर न हो, कभी नष्ट न हो, लेकिन आप साक्षर हैं उसको लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, तो उसे साक्षर कहते हैं। 100 धन अक्षर मिलकर के क्या बना, साक्षर बना। और ये संधि के संदर्भ में आप देखेंगे तो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, कौन सा होगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अतः विकल्प क्या हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। गुल होना, ठीक है, गूलर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ गूलर का फूल होना, कहते हैं कि आप तो गूलर के फूल हो गए हैं, यानी आप जो है बहुत सुंदर, नहीं गूलर का फूल ऐसा कुछ भी, लाल पीला नहीं, गूलर का फूल यानी दुर्लभ हो गए, दुर्लभ वस्तु या दुर्लभ होना। ठीक है, तो गूलर का फूल होना, आप बचपन से ही गूलर के फूल के बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग, बड़ी किंवदंतियां रहती थी कि गूलर का फूल रात को जब 12 बजता है एकदम चारों तरफ अंधकार छाया हुआ रहता है, और
एकदम कोई आवाज नहीं आती है, उस समय गूलर का फूल निकलता है। अगर जाओगे तब दिखाई देगा। तमाम कहानियां किंवदंतियां सुनते थे बचपन से लेकर के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है बेटा, गूलर का फूल नहीं होता है। साइंस वाले सर से आप पूछिएगा, वो डिटेल में बताएंगे। वो वही जो उसकी जो कली होती है, यानी उसी फूल को, वही आपका बनता हुआ चला जाता है, इसलिए कोई अलग से उसका निकलता नहीं है। अतः 13 का विकल्प क्या हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, असंगत विलोम की पहचान नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। असंगत विलोम है यानी संगत नहीं है, मिलान नहीं कर रहा है। कुटिल का सरल होता है, सही है। रिजु का वक्र, रिजु मतलब होता है सीधा, वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ये भी सही है। निर्मल का पवित्र, हर्ष का विषाद होता है। निर्मल पवित्र ये बात एक ही है, ये दोनों, निर्मल का अर्थ ही क्या होता है, पवित्र होता है, इसलिए ये यह विकल्प जो है यह असंगत है, सही नहीं है, इसका विलोम नहीं है। अतः सी विकल्प क्या हो जाएगा, इसमें असंगत हो जाएगा। आगे चलते हैं 15 नंबर पर। सदल मिश्र द्वारा रचित रचना कौन सी है, आपको बताना है कि सदल मिश्र के द्वारा कौन सी रचना रचित हुई है। तो सदल मिश्र ने क्या लिखा, नस्केतोपाख्यान लिखा। क्या लिखा है, सदल मिश्र ने नस्केतोपाख्यान। नस्केतोपाख्यान को चंद्रावती के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसको चंद्रावती के नाम से भी, चूंकि नस्केतोपाख्यान की जो नायिका रहती है वो चंद्रावती रहती है और नासिकेत इसके नायक के रूप में आते हैं, तो इसका नाम नस्केतोपाख्यान, नास्केतोपाख्यान या चंद्रावती भी होता है। तो इसको लिखने वाले कौन होते हैं, आपके सदल मिश्र जी होते हैं। सुखसागर सदा सुखलाल ने लिखा। चंद्रकांता, ओहो, नवगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, चंद्रकांता से करता था प्यार। चंद्रकांता को पढ़ने के लिए इतना धूम मचा था कि लोगों को, ऐसा कहा जाता है कि लोगों को हिंदी सीखनी पड़ी, बहुत लोगों को चंद्रकांता को पढ़ने के लिए हिंदी सीखनी पड़ी, इसकी इतनी धूम थी। इसी में आपको अक्कू, अय्यारी, तिलिस्मी जो खजाना आदि का जो बड़ा ही चर्चित उस समय उपन्यास होता था, यह खत्री साहब का, देवकी नंदन खत्री साहब का उपन्यास है, देवकी नंदन खत्री साहब का ये उपन्यास है, और ये बहुत ही चर्चित उपन्यास आपका चंद्रकांता होता है। सदा सुखलाल मैंने बताया, परती परिकथा ये आपका फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। तो यहां से आपको, हालांकि गद्य साहित्य की अवधारणा जब आती है तो वहां पर आपको इनको, सदल मिश्र को भी आप पाते हैं और सदा सुखलाल को भी पाते हैं, रानी केतकी की कहानी इंशाल्लाह खां लिखते हैं, उनको भी आप पाते हैं, लल्लू लाल को पाते हैं, प्रेम सागर, ये चार लोगों को आप पाते हैं जो गद्य साहित्य की अवधारणा में काफी योगदान किए हुए हैं। फिलहाल इसका उत्तर जो क्या होगा, आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, लोकायतन के रचनाकार कौन है, आपको लोकायतन के रचनाकार आसान सा है, या सुमित्रानंदन पंत जी क्या होते हैं, लोकायतन के रचनाकार हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर हम आते हैं। निम्नांकित में से कौन सा अरण्य का पर्यायवाची नहीं है, यानी अरण्य का, अरण्य मतलब होता है जंगल, अरण्य कांड रामचरितमानस में पाते हैं, जब रामचंद्र जी जंगल की तरफ, जंगल में उस समय अरण्य कांड चलता है। तो विपिन मतलब जंगल, जंगल कांतार मतलब जंगल, और गणेश मतलब जंगल नहीं, जानते हैं गणपत बप्पा मोरिया को, यानी इसको आप जानते हैं, एक दंत विनायक हेरंब आदि नाम से गणेश जी को जाना जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। लोहितांग में कौन सी संधि होगी, आपको बताना है लोहितांग में, लोहितांग में जो संधि होगी यह कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी यहां पर, यानी लोहित होगा, लोहित धन अंग बराबर क्या हो जाएगा, लोहितांग हो जाएगा। यहां से और मिलकर के आ बना देगा,
ये बिंदु वाले डी आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, लोहितांग बन जाएगा, और ये कौन सी संधि हो जाएगी प्यारे, वह दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, तल्लीन में कौन सा समास है? ध्यान में रखिएगा, तल्लीन में संधि नहीं पूछी जा रही है। अगर संधि पूछी जाती तब तो तत्धन लीन हो जाता, तत्धन लीन हो जाता बराबर तल्लीन हो जाता, यानी व्यंजन संधि हो जाता है, संधि के संदर्भ में पूछा जाता तो। लेकिन यहां क्या पूछा गया है, समास पूछा गया है। तो समास तत् मतलब उसके, उसके में क्या है यानी उसमें लीन है, तत् मतलब उस, और में क्या है लीन है, तो उसमें लीन है, तो अधिकरण में पर आपको आएगा, तो इसलिए तत्पुरुष का जो भेद होगा वह अधिकरण तत्पुरुष होगा, और विकल्प क्या सही हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो तल्लीन में अगर कभी पूछा जाए तो ये प्रायः संधि में पूछा, लेकिन हो सकता है आपको कभी पूछ लिया जाए तो यहां समझिएगा क्या पुरुष हो जाएगा यानी उसमें लीन। चित्त, वाह क्या बात है, चितवन की छा, यह रचनाकार चितवन की छा के जो रचनाकार है प्यारे वह विद्यानिवास मिश्र जी। कौन होते हैं? विद्यानिवास मिश्र जी होते हैं। अतः इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। हम अपने आधे पड़ाव पर आ गए हैं, 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, अब हम 21 नंबर पर चलते हैं। यहां कहा जा रहा है कि श्रुक्ति में किस समास का प्रयोग हुआ है, आपको ये बताना है कि श्रुक्ति में किस समास का प्रयोग हुआ है। तो श्रुक्ति में अब यहां पर भी देखिए समास का आपकी बात हो गई है, सुधन उक्ति बराबर श्रुक्ति, अगर ये पूछा जाता तो संधि के संदर्भ में कौन हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, समास पूछा जा रहा है। तो शुक्ति मतलब क्या होता है, सुंदर उक्ति होता है, उक्ति मतलब वचन, यानी वचन कैसा है, वचन कैसा है ये सुंदर है, इसलिए पहला पद क्या है, विशेषण है, अतः उत्तर क्या हो जाएगा मेरे लाल, उत्तर बन जाएगा कर्मधार है, इसका उत्तर हो जाएगा। तो शुक्ति में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधार हो जाएगा। चलो आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, मनोनयन का सही संधि विच्छेद, मनोनयन है तो मनधन नयन बराबर मनोनयन होता है, तो इसमें देखिए मनधन अनयन नहीं, मनोधन नयन में कोई संधि ही नहीं बनेगी तो खत्म, ये तो सीधा सीधा जोड़ दिया जा रहा है। मनधन अनयन एकदम नहीं होगा, तो मनधन नयन यह विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाता है, ओ में हो जाता है। मैं आपको पढ़ाते समय इसको बताता हूं कि विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाता है, ओ में हो जाता है। तो मन धन नयन बराबर मनोनयन होता है, यशह धन दा बराबर यशोदा होता है, पयह धन द बराबर पयोद होता है, मन धन हर बराबर मनोहर होता है, वयह धन वृद्ध बराबर वयो वृद्ध होता है। याद ये तमाम मैंने आपसे, जब मैं विसर्ग का परिवर्तन ओ में होता है वहां पर तमाम आपको उदाहरण हम बताते हैं। तो ये 22 नंबर का क्या हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, बहुवचन शब्द की पहचान कीजिए, आपको इस बताना है कि कौन ऐसा शब्द है जो बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। तिथि नहीं, तिथियां तिथियां होती हैं, ये बहुवचन नहीं है, एक वचन है। रीति रीतियां होती हैं, ये भी एक वचन है। कथा कथाएं होती हैं, ये भी एक वचन है। अक्षत क्या होते हैं, यह नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, अतः यहां पर अक्षत जो होते हैं यह हमेशा यानी नित्य जो है बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले क्या होते हैं, शब्द होते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा कि अक्षत क्या है, अक्षत हुआ, दाम हुआ, दर्शन हुआ, बाल हुआ, केश हुआ, प्राण हुआ, ये सब सभी क्या होते हैं, नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यहां देखिए, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध होता है उसे कहते हैं, यानी कोई ऐसा संज्ञा का रूप है जिसके आधार पर आप ये बताते हैं कि ये नर है या ये मादा है, यानी ये स्त्री है या पुरुष है,
आखिर किस, अगर मैं पूछूं कि व्याकरण में आप किस आधार पर बताते हैं कि ये नर है या मादा है, तो आप क्या बताएंगे? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार, उपपद सभी, तो आप ये बताएंगे लिंग के आधार पर, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यहां पर होता है। तो लिंगों के आधार पर किसी को आप नर घोषित करते हैं या मादा घोषित करते हैं, तो विकल्प इसका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, चांद का मुख टेढ़ा है के रचनाकार, चांद का मुंह टेढ़ा, यानी चांद का मुंह टेढ़ा किसने लिखा है? एक गाना है, है चांद का मुख उतरा उतरा, है चांद का मुख उतरा उतरा, तारों ने चमकना छोड़ दिया, जिस दिल से जुदा वो हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया, हमने ये दुआ जब भी मानी, हमने ये दुआ जब भी मांगी, तकदीर बदलते ऐ मालिक, आवाज आई कि अब हमने तकदीर बदलना छोड़ दिया, तकदीर बदलना छोड़ दिया। पंकज दास की बहुत ही अच्छी गजल है। निश्चित तौर पे ये सब जीवन के पार्ट हैं, जीवन के अंग हैं। चाहते हैं कि आप प्रसन्न रहना, अपने आप को खुश रहें। में कौन ऐसा है कि जिसके जो एकदम पुरुषार्थ के बल पर आगे बढ़ना है, लेकिन कैसे, मुस्कुराहट, एक ऐसे आप व्यक्ति को देखेंगे परमानेंट, वो लगेगा ना कितना हूं पैसा हो जाए, या कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जितना पूंजीवाद आता जाएगा उतना ही आप सीमित होते जाएंगे, उतने ही लोगों से आप कटते जाते हैं। इसलिए निश्चित तौर पे पैसा कमाइए, लेकिन कटिए मत, आगे बढ़िए, तो ये आपको आगे ले जाएगा। यह चांद का मुंह टेढ़ा किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध का होता है, यानी ये आपका विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप ही आगे बढ़िए, पूंजीवाद की परंपरा में आइए, लेकिन अपनी वास्तविकता को मत खोइए, जैसे है जो रूप है आपको, निश्चित तौर पर उसी रूप में आप रहिए, प्रसन्नता मिलेगी, खुशी मिलेगी, और जो इच्छा करती है वो करिए। ये नहीं है, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बाकी चीजें आप भूल जाइए, बाकी चीजों को जो एक्स्ट्रा करिकुलम है उसको भी करते रहिए, और अपने आप को पढ़ाई पर भी फोकस दिलाते रहिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 26 पे आते हैं। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि कौन है? शमशेर बहादुर है। जी हाँ, शमशेर बहादुर को ही कवियों का हम क्या कहते हैं, कवि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 27 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आपको बताना है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें दिया है केंद्रीय करण होता है, जब भी करण जुड़ता है तो करण जब जुड़ेगा तो य का समापन हो जाएगा। इसमें किसमें, जैसे अगर मान लीजिए मानवीय लिखा है, ठीक है, मानवीय लिखा है तो मानवीय लिखा है, केंद्रीय लिखा है, ठीक है, केंद्रीय लिखा है, ठीक है। तो अब अगर हम करण इसमें जोड़ देते हैं, करण जो आप जोड़ेंगे त्यों ये क्या हो जाएगा, यो समाप्त हो जाएगा, और ये शब्द क्या हो जाएगा, मानवीकरण हो जाएगा, ये शब्द क्या हो जाएगा, केंद्रीकरण हो जाएगा, केंद्रीकरण हो जाएगा। तो करण शब्द जुड़ने पर क्या होता है, य का समापन हो जाता है। तो इसमें देखिए केंद्रीकरण, य नहीं आया है, केंद्रीय य नहीं, केंद्रीय ये गलत हो गया है, तो केंद्रीकरण आपका क्या हो जाएगा, बी विकल्प क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 28। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें दहन हसे, सौह करें भौहन हसे, दैन कहें नट जाए। बतरस लालच लाल की, यानी बातों के रस से, लालच लाल की यानी जो कृष्ण भगवान के बातों का जो रस मिलता है, इसी लालच में मुरली धरी लुकाए, उनकी मुरली को क्या करती हैं गोपियां, छिपा देती हैं। मुरली धरी लुकाए यानी लुका, जैसे पहले एक लुका छिपी का खेल चलता था, अब तो सारे खेल
समाप्त हो गए हैं, जो बुद्धिवर्धक खेल थे, शरीर वर्धक खेल थे, वो सब खेल समाप्त हो गए हैं, जो आपको स्वस्थ रखते थे शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी, वो सारे खेल समाप्त हो गए हैं। अब कौन सा आ गया है, अब सब मोबाइल आ गया है, कंप्यूटर में ही, मोबाइल में ही आप खेलेंगे, मोबाइल में ही सब कुछ करेंगे, इसी में क्रिकेट खेल रहे हैं। एक टीम जो है एक ही व्यक्ति है, सोचिए कितना विडंबना है, वही इंडिया भी है और वही पाकिस्तान भी है। अब इंडिया है पाकिस्तान, दोनों चूज अपने ही कर रहा है, और बैटिंग अपने ही कर रहा है, बॉलिंग अपने ही कर रहा है, जीत अपने ही रहा है, प्रसन्न अपने ही हो रहा है। गजब का ये आया है, सिस्टम आया है, मतलब हम ही सब कुछ कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, और उसमें भी हार जाओ, हो हार गया, वे इंडिया हार गई, इंडिया हार गई, पाकिस्तान ने, अरे बड़ा दुख हुआ, गजब का है। मतलब आजकल देखिए उसी में बड़ो, कभी गेम देखिए, गेम में क्या होता है, कार चला रहा है, उसी में चला रहा है, खूब तेज दाब रहा है, वो दाब रहा है ना खूब तेज से, स्पीड ओ करते हो, जर जर कार जा रही है 80, 90, 100, 120, 120, 130, 130, तो अपनी ही स्पीड उसी में भगाना है, एक्सीडेंट कर गया, ओह एक्सीडेंट हो गया। आप कभी गौर से सोचिए क्या है, हम पूरा का पूरा कार्टून बने हुए हैं, पूरे के पूरे यस कार्टून रूप में हम आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब चलिए विषयांतर हो जाएगा, यहाँ पाइए, बतरस लाल अजलाल की मुरली धरी लुकाए, सौं करें भवन से दैन कहें नट जाए। यह संयोग श्रृंगार की बात हो रही है, यानी श्रृंगार में भी एक संयोग श्रृंगार होता है, एक भी प्रलंब श्रृंगार होता है, जिसको हम वियोग श्रृंगार भी कहते हैं। अतः 28 का उत्तर क्या हो जाएगा, इसने मनुष्य है, इसमें आपको तरन तरुण जाता तत्व की आवृत्ति हो रही है, इसलिए प्यारे कौन सा हो जाएगा, आपका वृत्यानुप्रास सही हो जाएगा। आप आइए क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है, सुदामा पांडे धूमिल, धूमिल का पूरा नाम क्या है, सुदामा पांडे नाम होता है इनका, इन्हीं की उपाधि सिंगल इन्वर्टेड में आप क्या लिख देंगे, धूमिल लिख देंगे, सुदामा पांडे धूमिल इनको कहते हैं, धूमिल नाम से सुदामा पांडे प्रसिद्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 31 पे आए हैं, वह खेलता रहा होगा रही होगी रहे होंगे, जब ऐसी क्रियाएं आएंगी तो वर्तमान की वह वर्तमान की क्या हो जाती है, संदिग्धता हो जाती है, यानी ऐसा जब भी आपको ये क्रियाओं के माध्यम से आपको काल पहचानना है, अगर क्रियाएं आप जानते हैं तो निश्चित तौर पे काल में आपको समस्या नहीं होगी। अतः आप क्रियाओं को जानिए तो रहा होगा रही होंगी रहे होंगे ये आता है, तो कौन सा है ये, संदिग्ध वर्तमान हो जाता है, कौन सा वर्तमान है, यह संदिग्ध वर्तमान आपका हो जाता है, यानी 31 का क्या उत्तर हो गया, बी उत्तर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, आसान सा क्वेश्चन है ये, आपको वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप ये जानते हैं कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, इसमें आपको बताना नहीं है कि पहला कौन सा वाच्य होता है, कर्तृवाच्य होता है, कौन सा होता है, कर्तृवाच्य होता है, दूसरा आपका कर्मवाच्य होता है, और तीसरा आपका कौन सा वाच्य होता है, भाववाच्य होता है, यानी कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है। इसमें क्रिया क्या होती है, सकर्मक होती है प्लस अकर्मक होती है, यानी दोनों हो सकती है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया यहाँ पर दोनों आ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रिया कैसी होगी प्यारे, वह सकर्मक ही होगी क्रिया, अकर्मक नहीं हो सकती है, यानी यहाँ पर वाक्य में जब भी ये क्रिया आएगी और यह पैसिव वॉइस में आता है, यानी क्रिया आपकी सकर्मक ही रहेगी, अकर्मक का यहाँ कोई जगह नहीं होता है। अब यहाँ भाववाच्य में आते हैं तो इसमें क्रिया क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ अकर्मक होगी, यहाँ क्रिया सकर्मक नहीं होगी, या तो निगेशन निगेटिव सेंस में यहाँ पर आपको आ जाए आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यह क्रियाओं के माध्यम से भी वाच्य को हम पहचानते हैं, हम पढ़ाते हैं, तो आपको डिटेल से इस बात को
भी हैं। फिलहाल आप इतना जानिए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए, श्रीस में कौन सी संधि होगी, आपको ये बताना है कि श्रीस में कौन सी संधि होगी। तो श्री धन ईस मिलकर के क्या बनता है, श्रीस बनता है। क्या होता है, श्री धन ईश मिलकर के क्या बनेगा, श्रीस बनेगा। यहां से भी बड़ी ई, यहां से भी बड़ी ई, यह मिलकर के बड़ी ई का ही निर्माण करता है, अतः ये कौन सी संधि में जाएगा प्यारे, यह दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आपका क्या करेगा, प्रवेश कर जाएगा और ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी हम जो है 33 में श्रीस में श्री मतलब क्या होता है, लक्ष्मी जी होती है, श्री मतलब क्या होता है, लक्ष्मी होता है, और ईस मतलब क्या होता है, भगवान होता है, यानी लक्ष्मी के पति या लक्ष्मी के भगवान, लक्ष्मी के ईश्वर, उसी को हम क्या कहते हैं, श्रीस, यानी विष्णु भगवान को हम क्या कहते हैं, श्रीस के नाम से भी जानते हैं। यानी 33 का उत्तर आपको दीर्घ स्वर संधि हो गई। क्वेश्चन नंबर 34, जहां दो वस्तुओं में वास्तव में विरोध न हो, मात्र विरोध का आभास हो, वहां पर अलंकार आपको बताना है कि यहां पर जहां पर दो वस्तुएं हैं और वास्तव में विरोध नहीं है लेकिन फिर भी विरोध का आभास हो रहा है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा। तो वहां पर विरोध का आभास है, वास्तविक रूप से विरोध नहीं है, वहां पर विरोधाभास अलंकार है। कौन सा है, विरोधाभास अलंकार होता है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यानी जो अनुरागी है, जो प्रेम ही है, उसकी चित्त को, उसकी मन की गति को कोई नहीं समझता है, जो जो डूबे, यानी जितना वो बूढ़ता जाता है, यानी डूबता जाता है, श्याम के रंग में त्यों त्यों उज्जवल होए, यहां डूबने जा रहा है, यानी श्याम रंग में, सांवले रंग में डूबेगा तो उज्जवल कैसे होगा, विरोध है लेकिन ये वास्तविक विरोध नहीं है, सिर्फ विरोध का आभास है, इसलिए यहां पर विरोधाभास हो गया। क्योंकि जितना ही कृष्ण की भक्ति में वो डूबेगा उतना ही मन उसका निर्मल होता हुआ चला जाएगा, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जहां पर सही ही है, जहां पर वास्तव में विरोध न हो फिर भी मात्र विरोध का, वहां पर विरोधाभास अलंकार हो जाता है। चिदंबरा के रचनाकार कौन है, आपको चिदंबरा हुआ, लोकायतन हुआ, पल्लव हुआ, जो भी है इसके बड़ा ही फेमस है, क्या चिदंबरा के रचनाकार कौन से होते हैं, आप जानते हैं इसके रचनाकार भी कौन है, सुमित्रानंदन पंत भी हैं। सुमित्रानंद पंत जी, आप अगर छायावाद की परंपरा को जानते हैं तो छायावाद में आप तीन कवि को जानते हैं, जिसको किसको, पंत हैं, यानी पंत हैं, प्रसाद हैं, पंत हैं, प्रसाद हैं और निराला हैं। ये तीन आपको वाहक आपको किसमें मिलेंगे, छायावाद में। इसी में ब्रह्मा विष्णु महेश के संदर्भ में आपको यहीं पर महादेवी वर्मा भी मिलेंगी, महादेवी वर्मा में मिलेंगी, जो फर्रुखावाद की ये होती हैं। बेसिकली यह यहीं पर प्रयागराज में ही रहती हैं और निराला को अपना भाई भी मानती हैं, यानी निराला और महादेवी वर्मा भाई और बहन की तरह रहते थे। यह फाफामऊ में और यह दारागंज में, महादेव वर्मा फाफामऊ में प्रयागराज में और निराला जो है दारागंज में, आज भी निराला है, निराला की मकान है। अब दारागंज में जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपको बता देंगे। निराला पूरे जीवन भर अपनी निराला की साहित्य साधना रामचरण शर्मा ने लिखा, यानी निराला को निराला बनाया, लेकिन पूरा जीवन भर इन्होंने फकीर में ही गुजारा है। फिलहाल फिर यहां पर आपके चिदंबरा सुमित्रानंदन पंत हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से
कौन सा कारक है। अच्छा, कारक के संदर्भ में पूछा गया है तो आप ये जानते हैं कि हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को, के लिए अपादान से संबंध का, अधिकरण में संबोधन है वो, अरे यही 8 कारक चिन्ह होते हैं। तो वह घर से बाहर निकला, निश्चित तौर पर अगर कोई घर है, मान लीजिए ये घर है, और इस घर से आप क्या निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। इस घर से आप क्या जब बाहर जा रहे हैं यानी बाहर निकल गए तो आप अलगाव हो गया, घर अलगाव हो गया, तो निश्चित तौर पे ये क्या हो गया, अपादान हो गया। अलग के संदर्भ में क्या हो जाता है, अपादान हो जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में कहते हैं निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन ऐसा है जो सत्य नहीं है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, निश्चित तौर पर होते हैं, 1 वचन होता है, 2 वचन होता है और बहुवचन होता है, होते हैं, ये सत्य है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, ये भी सत्य है, 1 वचन और बहुवचन। हिंदी में क्या होते हैं, 2 वचनों का प्रयोग नहीं होता है, केवल 1 वचन के बाद यहाँ बहुवचन आ जाते हैं। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, जी हाँ, यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, जो ये क्या है, गलत है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं यहाँ पर, इसलिए हिंदी की तरह 2 ही लिंग नहीं होते हैं, यहाँ पर 3 लिंग होते हैं, यानी पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है, तो इसलिए संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। अतः प्यारे यहां पर क्या है, ये सही कथन नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम 38 पे चलते हैं, स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। स्रोत के आधार पर शब्दों को ही हम ऐतिहास पर भी शब्द बोलते हैं, या इसी को हम उत्पत्ति की या व्युत्पत्ति के आधार पर भी शब्द बोलते हैं, इसी को हम स्रोत के आधार पर भी शब्द के नाम से जानते हैं। यानी स्रोत के आधार पर शब्द को हम कितने भागों में, मुख्यतः यानी 4 भागों में विभाजित किए हुए हैं, यानी यही 4 स्रोत के आधार पर शब्द होते हैं। पहला जो शब्द होता है, आप ये जानते हैं, इसमें तत्सम आता है, तद्भव आता है, देशज आता है और विदेशज आता है। यानी आपको तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है, तद्भव शब्द होते हैं, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द, ये आपके यही 4 आपको मुख्य होते हैं। बाद में एक संकर शब्द भी होता है, लेकिन वह मुख्य श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। अतः यहां उत्तर लगेगा 4 लगेगा। 39, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अस्थाई भाव दिए गए हैं। अस्थाई भाव की बात हुई है, यानी यहाँ रस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो रस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप इसको देखिए, तो इसमें किसमें ऐसा है कि जो सभी विकल्पों में क्या है, अस्थाई भाव सही दिए गए हैं, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो इसमें जो है निर्वेद होता है, आलस्य होता है, नहीं होता है, ठीक है। रति शोकु शाभ है, उत्प्रेक्षा प्रतीप, प्रदीप नहीं होता है, श्रृंगार वीर अद्भुत शांत, तो श्रृंगार ये तो रसी का नाम दे दिया गया है ना, तो अस्थाई भाव पूछा गया है, तो श्रृंगार का अस्थाई भाव क्या होता है, रति होता है, यानी ये श्रृंगार का अस्थाई भाव है, यही तो है ना, श्रृंगार, श्रृंगार का अस्थाई भाव, ठीक है। शोक का, करुण का शोक हो जाता है, ये करुण हो गया, वीर का उत्साह हो जाता है, भयानक का भय हो जाता है, भयानक का भय हो जाता है, अतः विकल्प इसका बी ही क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 40 और ये आज का लास्ट, मृगनयनी के रचनाकार कौन होते हैं। मृगनयनी, नयन कैसा है,
आपका मृगनयनी है, इसके रचनाकार कौन है? एक है ना, चलाओ ननयनों से बाण रे, तो बहुत ही अच्छा है। मृगनयन, नयन भी हैं, कैसे मृग रूपी नयन है, तो या मृग के समान नयन है, मृग जैसा नयन है, इसको मृगनयनी को कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओल लिखते हैं? नहीं, निराला जी नहीं, महादेव वर्मा नहीं, तो कौन लिखें? यहाँ पर आपके उत्तर हो जाते हैं प्रसाद जी हो जाते हैं, यानी जयशंकर प्रसाद, इसके उत्तर क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। अतः 40 का उत्तर क्या हो गया? ए विकल्प सही हो गया। हम लोगों ने आज 40 प्रश्नों की हमने श्रृंखला लिया और इस 40 प्रश्नों पर हमने क्या किया है, बात आपसे किया है और पूरा समझने का प्रयास किया है कि आपको बातें समझ में आए। आप इसको आत्मसात करिए, टेलीग्राम पर आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप निकाल लीजिएगा और इसको आत्मसात करिए, अच्छी तरीके से पढ़िए। ये जो संस्कार युक्त पढ़ाई करिए, संस्कारों में रह करके पढ़ाई करिए, भागम भाग की जिंदगी से हट करके थोड़ा सा अपने आप को केंद्रित करिए, अपने आप को, अपने मन को लगाइए, निश्चित तौर पे आपका कल्याण होगा, निश्चित तौर पे आप आगे बढ़ेंगे और हमेशा अग्रेतर आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार है और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और प्रसन्न चित्त मुद्रा में सदैव रहें, ईश्वर से यही प्रार्थना है। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।